शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्ते भैया। ए रुक। नमस्ते नहीं करो, काम करो, काम। जी 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 जी। सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी सर। प्रेम कहाँ है? प्रेम बाबू तो सो रहे हैं। सो रहा है अभी जी सर? अरे जगाओ इसको। जगाते हैं प्रेम बाबू। सफाई करो, सफाई करो। प्रेम बाबू, सर जी बुला रहे हैं आपको, उठ जाइए। प्रेम, प्रेम उठो, उठो बेटा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, उठो। हाँ, जल्दी जल्दी फ्रेश हो जाओ, ऑफिस जाना है। गुड मॉर्निंग डैड। वेरी गुड, ये अच्छा है। पहलो 5 मिनट में आई वांट यू एट द डाइनिंग टेबल, ऑफिस जाना है, चलो जल्दी जल्दी। ओके डैड। शिट यार। ऑफिस नहीं जाना है मुझे? अरे नहीं, प्रेम को। वो ऊपर तैयार हो रहा है, तुम नाश्ता लगाओ। लगाते प्रेम आज ऑफिस चलेगा मेरे साथ। तू यहाँ कुकर की सीटी बजा रही है, उधर बॉस की सीटी बज रही है, इसको उतार पराठे सेक, वरना मेरी सीटी बज जाएगी। तुझे सीटी बजाना आता भी है? अरे तू सीटी बजाने की बात कर रही, बजाने पे आ जाओ तो क्या नहीं बजा सकता मैं? कैसे बजाई? कैसे बजाई? तुझसे किसने पूछा कैसे बजाई? यहाँ जब तुम्हारे साहब और पर्सनल बात चल रही हो तो कैसे बजाई? कपड़ा अब काम करो जाके, तनख्वाह काटूंगा तुम्हारी। कैसा लगा सीटी बजाना? सीटी बाद में बजाना, पहले आलू छिल। ओके। अरे बोल तो दे, गरम है। सुन 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 सुन, तू तू काम कर, मैं जरा मगन को देखता हूँ। ये नहीं, इसकी सीटी मैं बजाता हूँ। मैं छिलू इमली? मुझे मत छिल, आलू छिल। चलो अच्छे से नाश्ता लगाओ सब लोग। अरे ये प्रेम कहाँ है? प्रेम स्लीपिंग सभा को संबोधित कर रहे हैं सर जी। मतलब सो रहे हैं सर जी। अरे लेकिन अभी तो मैं जगा के आया। हाँ तो फिर सो गए होंगे सर जी। अरे ये लड़का भी कमाल है यार। हाँ। प्रेम, प्रेम। अरे प्रेम तो प्रेम से बोल। अरे क्या प्रेम से बोलूं माँ, तुरंत टाइम वेख्या नहीं, ऑफिस जाने का टाइम हो रहा है और साहब ज्यादा अभी तक सो रहे हैं। तेनू तो पता है ना, वो वहाँ पढ़ाई वास्ते गया सी, दिन रात पढ़ाई पढ़ाई, सोने का टाइम ही नहीं मिला। अब वो सो रहा है तो तू उठा रहा है। आरती ले, नाश्ता कर और ऑफिस जा, जब वो उठ जाएगा तो मैं उसे भेज दूंगी। आपने बोल दिया और साहब ज्यादा आ जाएंगे सर जी, आ जाएंगे। अरे यार आप भी माँ। चल चलो 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 चलो, तो देर भी बहुत हो गई। भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ, जय श्री शंभो भाई भोलेनाथ। अरे बेटा जल्दी चलो, देर हो रही है ऑफिस को। हाँ हाँ पापा, 2 मिनट। अरे 2 मिनट नहीं है, इतना समय नहीं है, चलो जल्दी। हाँ, बस बस हो गया। आ जाओ चलो। पापा टिफिन। अरे बेटा देर हो रही है। हाँ, दूध। अरे तुमको पता है ना मुझे दूध अच्छा नहीं लगता, वैसे भी ऑफिस को देर हो रही है। सीधी बात, नो बकवास। ये हुई ना बात। अरे कल तुम अपने ससुराल चली जाओगी, फिर मेरा ख्याल कौन रखेगा? क्यों मेरी आदतें बिगाड़ रही हो? अरे चलो ना, देर हो रही है भाई। भाई चलो। खबरदार, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ आपको छोड़कर। ओके। अरे बेटा तुम अपने ससुराल नहीं जाओगी तो मैं कन्यादान के कर से कैसे मुक्त हो पाऊंगा? एक बार मैं तुम्हारा कन्यादान कर लूंगा तो मैं अपना धर्म पूरा कर लूंगा, यही हमारा संस्कार सिखाता है, यही एक बाप का धर्म भी यही कहता है। तो आप अपना धर्म निभा लीजिए, मुझे अपना धर्म निभाने दीजिए। अब हम चले ऑफिस। ओहो चलो 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 भाई। अच्छा एक सेकंड पापा। अब क्या? ओहो भाई का चलो। प्रियंका,
ये देखिए सर, ये सब काम हमें करना है। इतना सा काम बैलेंस रह गया। नीता, जस्ट कॉल लावण्या। श्योर सर। ये देखिए, ये काम अगर कंप्लीट हो गया तो सब कुछ हो जाएगा। लावण्या, हम लोग प्रिंसिपल सर बुला रहे तुम्हें। ओके, तुम लोग दीदी के साथ खेलो, मैं एक मिनट में आई। ओके जी जी, यहाँ। तो सबने क्या क्या खेला? तो मैं कह रहा था मिस्टर भटनागर जी, लावण्या जी, अब आपको चंदा मांगने की कोई जरूरत नहीं है, पैसा हम देंगे आपको। थैंक यू सर, पर पैसा हमारा क्राइटेरिया नहीं है। हम लोगों को जोड़ना चाहते हैं, मनी पावर से ज्यादा मैन पावर की जरूरत है, राइट सर? आप लोगों की इन्हीं बातों की वजह से तो हम एनजीओ के साथ जुड़े हैं। कोई भी जरूरत हो हमें बुलाएं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। चलिए अब मैं चलता हूँ। आइए साहब, आगे क्या? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। बेड़ा गर्क हो तेरा, सत्यानाश हो। पांडे, क्या बोला था मैंने तुम्हें कल? कल मैंने तुम्हें बोला था कि प्रेम को सीधा एयरपोर्ट से उठा के ऑफिस ले आना। कहा था कि नहीं? ये सर। तो घर क्यों ले गए? सर मैं कहा ले गया, वो लेके गए गाड़ी। गाड़ी तो वो चला रहे थे ना। अरे, मैं इतने बड़े मैनेजर हो, इतनी बड़ी ऑफिस है, इतने सालों से संभाल रहे हो, एक लड़के को ऐसे उंगली पकड़ के वहां नहीं ले जा सके? सर, सर ये कुछ पेपर्स थे सर, आपके सिग्नेचर चाहिए थे सर। सर प्रेम बाबू आपके साथ भी दिया है आज सर? नहीं सर, मेरे को तो मालूम है कि मैं स्टूपिड हूं, इसलिए वो मेरे साथ नहीं आए। लेकिन आप तो बाप हैं सर, मेरे को ये भी मालूम है सर। मेरी बात को सुनकर आपको बहुत बुरा लग रहा होगा सर, लेकिन क्या है कि आजकल के बच्चों को ज्यादा ढील नहीं देनी चाहिए, उन्हें कंट्रोल में रखना चाहिए सर, कंट्रोल में। मसाले का ऑर्डर मिला सर? ऑर्डर सर बहुत ज्यादा ऑर्डर आया है सर, बल्कि मेरी बेटी का सजेशन था कि आपको बताऊं सर कि हमें एक ऐड देनी चाहिए जिसमें बताना चाहिए कि ये मसाला अच्छा ही नहीं बल्कि बहुत अच्छा है, और अपने ऑफिस को एक कॉर्पोरेट ऑफिस को बनाना चाहिए। बहुत अच्छा रहेगा सर। पांडे जी, मेरी ओर से आपकी बेटी को थैंक्स बोलना। अरे सर, सर मेरे पास भी एक बहुत अच्छा आइडिया है सर, एक ड्रामा गर्ल को नचाया जाए और उसे पांडे जी जी चाहिए। सर पूरा सुन ले तो, सॉरी सब सजेशन बाप और बेटी देंगे तो मेरा बेटा क्या करेगा? ड्रामा गर्ल, ये भिखारी समझते हैं क्या हमें? क्या हुआ? धर्म के नाम पे मांगो तो 21,000, 51,000 सोने का मुकुट और पता नहीं क्या क्या देंगे, और हमारे बच्चों के लिए सिर्फ 1,000 रुपए। देखो ना, उसके मुंह पे मारने वाला था वो 1,000 रुपए। कपिल, हमारे हाथों की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। ओके, अगर कोई 1,000-2,000 वाला मिला है तो 2,100-2,150 वाले भी मिलेंगे। जस्ट रिलैक्स। नहीं मिलता कोई, मैं जानती हूँ इन रईसों को अच्छे से। बाबा लिसन, ओके, डू विल डू वन थिंग, तुम और हितेश इधर जाओ, मैं और नीता दलजीत आंटी के यहाँ जाते हैं। ओके, विल ट्राई वंस। यस, ठीक है। यस, चलो वी विल गो बैक। ओके फाइन। नीता तू 2 मिनट यहाँ रुक, मैं अभी आई। ओके ठीक है, अब जल्दी। एक्सक्यूज मी, कोई है? कोई है मतलब कौन चाहिए आपको? दलजीत आंटी। पहले अपना नाम बताइए, काम बताइए। मेरा नाम लावण्या है और मैं चंदा लेने आई हूँ। चंदा? चंदा, चंदा। मम्मी जी हमारी पगार तक डकार जाती है, चंदा क्या खाक देगी? लो चंदा लेने आई है। जी मम्मी जी। कौन है? जी मम्मी जी, कोई लावण्या आई है चंदा लेने, चंदा मांगने। हाँ, हाँ, मैं आ रही हूँ। आंटी जी। अरे आओ आओ, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, जिंदी रहे। तू कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी? मैं है? बिल्कुल ठीक हूँ। अरे चमन, जाके चाय नाश्ता लेकर आओ। नहीं आंटी, चाय नाश्ता की जरूरत नहीं है, हम तो बस चंदा लेने आए थे। चंदा मिलेगा लेकिन आंटी नहीं, दादी बोलना पड़ेगा। ओके दादी। हाँ, अरे चमन मिठाई लेकर आ, मुँह मीठा करा। मेरा मतलब है चाय नाश्ता लेकर। नहीं आंटी जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अच्छा बोल। आंटी जी, मेरा मतलब है दादी जी। हाँ। वो हमारा एनजीओ है ना, वो बच्चों का। हाँ। हमने सोचा उसके लिए एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने का।
तो अगर थोड़ा चंदा मिल जाता तो? जरूर मिलेगा बेटा, इसी बहाने मेरे भी पाप धुल जाएंगे, पुण्य कमा लूंगी। तू बैठ, मैं भी लेकर आई। तू बैठ। ये लीजिए। थैंक यू मैडम जी। आपको पता है बिना मतलब के मम्मी जी फूटी कौड़ी भी नहीं देती है। जवान, अरे तू चाय नहीं लाया? लाता हूँ, अभी भिजवाता हूँ। ये ले बेटा, 21,000 रुपए। थैंक यू सो मच अन। सॉरी सॉरी दादी जी, थैंक यू सो मच। ये लीजिए चाय। थैंक यू। दादी जी, मैं रसीद किसके नाम पर बनाऊं? मुझे रसीद वसीद नहीं चाहिए बेटा। आपको तो नहीं चाहिए, पर हमारे रिकॉर्ड के लिए तो जरूरी है। अच्छा, किसके नाम पर बनाऊं? प्रेम खुराना। प्रेम खुराना, ये कौन है दादी जी? ये मेरा पोता है। ओके। अमेरिका से MBA करके आया है, बहुत हैंडसम है। ये पूरी जायदाद का वो अकेला वारिस है। तो मैं क्या करूं? नहीं, मैं बता रही हूँ, उसके दिल में भी गरीबों के लिए बहुत हमदर्दी है, मुझसे बहुत प्यार करता है। आंटी, दादी, सॉरी, मैं चलती हूँ और मैं फिर मिलूंगी। ओके। अच्छा, ओके दादी जी, जिंदी रहे। थैंक यू सो मच। और कभी कोई पैसों की जरूरत पड़े तो मेरे पास आ जाना। बाय। हाँ? बाय दादी। बाय। ये तो मंदिर वाली लड़की थी ना? हाँ। तो यहाँ क्या कर रही थी? चंदा लेने आई थी। आपने दिया तो नहीं ना? मैंने दे दिए, 21,000। 21,000? हाँ। चेक दिया होगा? नहीं, कैश दिया, क्योंकि मुझे पता था मैं अगर चेक दूंगी तो तू उसे बाउंस करा देगा। क्या करूँ, डूब मरूँ?